बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू आई एम केमिस्ट एंड दिस इज़ द टॉपिक नंबर 10 ऑफ किप्स एकेडमी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चैप्टर इज़ केमिकल बॉन्डिंग और उसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज है जो कि हम इस वीडियो के अंदर सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले जैसे आपको मैंने चैप्टर नंबर फर्स्ट कराया है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का, जिसमें फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हमने देखे थे, स्टोइकोमेट्री के आपको क्वेश्चन कराए थे, पूरे तकरीबन घंटे डेढ़ का लेक्चर था जो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा लाइक किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। उसी तरह एफ़ ब्लॉक जो एलिमेंट्स आपको मैंने कराए, फिर डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो थे ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो आपको कराए, उसकी तरफ से भी बहुत अच्छा फीडबैक मुझे मिला। तो ये भी जो केमिस्ट्री है केमिकल बॉन्डिंग, इट आल्सो बिलोंग्स टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड जो मेरा एमफिल है दैट इज़ आल्सो इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो मैं कोशिश करूँगा कि जैसे आपने बाकी की वीडियोज़ लाइक की मेरी सारी, उस तरह आप ये वाली वीडियो भी लाइक करें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। द फर्स्ट थ्री एम सी क्यूज़ आर फ्राम एटॉमिक, आयोनिक एंड कोवेलेंट रेडियाई। अब यहाँ पर मैं आपके लिए थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, तो आपको दोबारा से इसको बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला जो आपके पास क्वेश्चन है, विच ऑफ़ द फॉलोइंग हैज़ लार्जेस्ट आयोनिक साइज। अब अगर मैं आपको इसका राइट ऑप्शन बता दूंगा तो आप तो ईजिली कर लेंगे, लेकिन अब थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, सोडियम आयन को और यहाँ पर फ्लोराइड आयन को जल्दी जल्दी से। देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी होती है 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। अब इसके फर्स्ट शेल के अंदर होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड के अंदर होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर बोझ है, बोझ इस तरह है कि इसकी वजह से ये अनस्टेबल है। तो हम क्या करते हैं, इसको आयोनाइजेशन एनर्जी दे के इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव कर लेते हैं। इसके साथ साथ आप अपने पास नोट कर लें अपने नोट्स के ऊपर, आयोनाइजेशन एनर्जी कौन सी होती है, वो एनर्जी जिसमें जो आप किसी भी एटम को देते हो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज़ नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। अब हम इसका वैलेंस का लेट से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लेते हैं, तो अब पीछे क्या रह जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो सोडियम के ऊपर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव 1 आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स अब कितने रहेंगे, 10। वो कैसे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब इसकी होगी 1s2, 2s2 और 2p6। पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन। अब 8 इलेक्ट्रॉन अगर आ गए हैं तो इसका मतलब है इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो इसका मतलब है कि सोडियम आयन के फॉर्म में क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। अब हम इनकी साइजेस की बात कर लेते हैं, तो साइजेस इसके इस तरह होगा कि सोडियम का जो साइज़ होगा उसके न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स होंगे, 11 प्रोटॉन्स होंगे, ठीक हो गया। अब पहले शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2, 4, 6 और ये 8। और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है थर्ड शेल जो लास्ट शेल, इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। ये हमारे पास क्या है, दिस इज सोडियम एटम हैविंग 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन अगर हम इसका इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लेते हैं तो प्रोटॉन्स कितने रहेंगे, प्रोटॉन्स 11 रहेंगे। क्यों, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं, प्रोटॉन विद इन द न्यूक्लियस हम रिमूव नहीं कर सकते। तो पहले शेल के अंदर अब 2 इलेक्ट्रॉन हैं, सेकेंड के अंदर कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2, 4, 6 और ये 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक हो गया। अब अगर आप देखो तो इसके साइजेस में क्या फ़र्क आ रहा है, यहाँ पे 3 शेल्स हैं, यहाँ पे कितने शेल्स हैं, ये आपके पास है फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड शेल, यहाँ पे कितने शेल्स हैं, ये सिर्फ 2 शेल्स हैं। अब अगर कोई अनपढ़ बंदा भी देखेगा तो कहेगा कि इसका जो साइज़ है वो बड़ा है क्योंकि इसके अंदर 3 शेल्स हैं। तो सोडियम का जो साइज़ है दैट इज़ ग्रेटर, लेकिन जो हमारे पास सोडियम आयन है, जैसे सोडियम आयन क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन हमने इसका रिमूव कर दिया, इसका साइज़ क्या होता है, इसका साइज़ होता है स्मॉलर। तो हम कह सकते हैं कि जो केट आयन होता है दैट इज़ स्मॉलर एज़ कम्पेयर टू इट्स पेरेंट एटम। ये पेरेंट एटम है, ये उसका क्या है, ये उसका केट आयन है। तो केट आयन हमेशा क्या होता है, स्मॉलर होता है। अब उसकी वजह क्या है, उसकी वजह फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितने प्रोटॉन्स हैं, 11 प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 11 ही हैं। तो पॉजिटिव 11 और नेगेटिव 11, नेगेटिव मैंने इसलिए लिखा कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है, पॉजिटिव इसलिए लिखा कि प्रोटॉन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव 11 एक दूसरे कैंसिल करके क्या आंसर देते हैं, 0। तो इसलिए हम कहते हैं कि सोडियम के ऊपर यहाँ पर स्टेट 0 है। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स स्टिल 11 है, ठीक है, पॉजिटिव 11 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हैं, 10 हो गए। क्यों, 1 इलेक्ट्रॉन तो आपने रिमूव कर दिया। तो मैथ्स जब आप जनरल मैथ्स करते हो तो आप कहते हो पॉजिटिव 11 माइनस 10 से आंसर क्या आता है, पॉजिटिव 1, और ये पॉजिटिव 1 इसलिए सोडियम के ऊपर आ जाता है। ये हो गया एक कॉन्सेप्ट। अब दूसरा कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं, एन आयन वाला। एन आयन में क्या होता है, जैसे हमारे पास है फ्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर होता है
9. So 1s2, 2s2, 2p6, सॉरी 2p5 हो जाएगा, ठीक है. तो ये 2 और ये 7. अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स कितने चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए ताकि हम इसके अंदर ऐड कर दें. तो उस वक्त जो एनर्जी रिलीज़ होती है दैट इज़ नॉन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. तो अगर हम बात करते हैं फ्लोराइड आयन की, जब इसके ऊपर नेगेटिव 1 चार्ज आ जाएगा तो हम इसको इस तरह लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6. अब पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन. अब ये एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से एक्स्ट्रा, पहले 7 थे अब 8 किस तरह हो गए? एक इलेक्ट्रॉन जब ये किसी से गेन करेगा तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव 1 आ जाएगा. एग्जैक्टली वही चीज़ है. यहाँ पे क्या होता है, शेल नंबर रिमेन सेम. इसके अंदर कितने शेल्स हैं? ये इसका न्यूक्लियस प्रोटॉन्स 9 होंगे. पहला शेल है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. सेकेंड के अंदर कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स, 2, 4, ये 6 और ये 7. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी प्रोटॉन्स कितने हैं? 9 है. लेकिन अगर आप बात करते हो इलेक्ट्रॉन्स की तो वो चेंज हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं. पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8वां इलेक्ट्रॉन. तो इसके ऊपर एज अ होल चार्ज कौन सा होगा? नेगेटिव 1. और उसकी वजह क्या है? फ्लोरीन एटम के केस में प्रोटॉन्स 9 हैं तो इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हैं? 9 है. पॉजिटिव 9 और नेगेटिव 9 से 0. अब यहाँ पे क्या होता है कि प्रोटॉन्स हमारे पास कितने हैं? प्रोटॉन्स स्टिल 9 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा आ गया तो इसका मतलब है 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. तो नेगेटिव 10 प्लस 9 से आंसर क्या आता है? -1. तो इसलिए फ्लोरीन के ऊपर चार्ज नेगेटिव 1 आ जाता है, तो इसको हम फ्लोराइड आयन कहते हैं. तो अगर आप साइज़ की बात करते हैं तो ये जो पेरेंट एटम होता है इसका साइज़ जो होता है ये स्मॉलर होता है, और इसका साइज़ क्या होता है? ग्रेटर होता है. जो एन आयन होता है उसका साइज़ क्या होता है? ग्रेटर. अब ये जनरल एक ट्रेंड है, ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है. अब यहाँ पे क्या होता है कि प्रोटॉन कम होते हैं, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो जो शेल्स होते हैं वो एक्सपेंड हो जाते हैं, एटॉमिक साइज एक्सपेंड हो जाता है. तो हम कहते हैं कि A9 जो नेगेटिव आयन होता है वो ग्रेटर होता है, और जो पॉजिटिव आयन होता है वो स्मॉलर होता है अपने पेरेंट एटम से. तो अब यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को आपने याद रखना है. अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गई है तो अब आप केमिकल बॉन्डिंग में अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजीली कर सकते हो. यहाँ पे लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लार्जेस्ट आयोनिक साइज, तो याद रखें कि आयोनिक साइज इंक्रीजेज अलोंग द पीरियड. आयोनिक साइजेस इंक्रीजेज अलोंग द पीरियड, और पीरियड क्या होते हैं? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल. और दूसरी बात कि एनायंस जो होते हैं, एनायंस आर ऑफ लार्जर साइजेस या ग्रेटर साइजेस देन केटायन. ठीक हो गया, जो अभी आपके सामने मैंने लिख दिया है. सो जनरल जो अगर हम ट्रेंड देखें तो वो इस तरह हो जाएगा, नाइट्रोजन हैविंग 3 इलेक्ट्रॉन जो इसने गेन किए हुए, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए, उसके बाद फ्लोराइड आयन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ, ठीक है. तो अब लार्जेस्ट आयोनिक साइज किसका होगा? इसका. ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या है यहाँ पे? करेक्ट है. और सबसे स्मॉलेस्ट साइज किसका होगा? सोडियम आयन का. क्वेश्चन नंबर 2, इन अ पीरियड द एटॉमिक रेडियस. अगर हम पीरियड की बात करते हैं तो पीरियड होता है लेफ्ट टू राइट. कहता है पीरियड में आयोनिक रेडियस क्या हो रहे होते हैं? पीरियड में आयोनिक रेडियस जो होते हैं वो डिक्रीज हो रहे होते हैं. वो क्या हो रहे होते हैं? डिक्रीज हो रहे होते हैं. वजह क्या है? ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज N.C न्यूक्लियर चार्ज वो इंक्रीज हो रहा होता है, तो उसकी वजह से जो एटॉमिक रेडियाई होते हैं वो डिक्रीज कर जाते हैं. जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ. देखिए हमारे पास क्या है, ये सोडियम है, ये हमारे पास क्या है, ये मैग्नीशियम है, और ये हमारे पास क्या है, एल्यूमिनियम, ये हमारे पास सिलिकॉन है. तो इन चार एलिमेंट्स के मैं बता देता हूँ. सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, और सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14. अब आपने इसको ऑब्जर्व करना है, जो सोडियम है इसमें कितने प्रोटॉन्स है? 11 प्रोटॉन्स है. इसमें कितने प्रोटॉन्स है? 12 प्रोटॉन्स है. इसमें कितने प्रोटॉन्स है? 13.
और इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं 14। तो अब आप देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, और जो शेल नंबर होता है ना दैट रिमेंस कांस्टेंट, शेल नंबर जो है दैट रिमेंस कांस्टेंट। अगर आप सोडियम के अंदर भी देखेंगे तो आपको नज़र आएंगे तीन शेल्स, मैग्नीशियम के अंदर भी आपको तीन शेल नज़र आएंगे, एल्यूमिनियम के अंदर तीन शेल्स, और सिलिकॉन के अंदर भी आपको तीन शेल नज़र आएंगे, लेकिन सोडियम के वैलेंस शेल के अंदर आपको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन नज़र आएगा, मैग्नीशियम में आपको दो नज़र आएंगे, एल्यूमिनियम में थ्री नज़र आएंगे, सिलिकॉन में फोर नज़र आएंगे, इसी तरह फॉस्फोरस के अंदर फाइव, सल्फर के अंदर सिक्स, और क्लोरीन के अंदर आपको सेवन इलेक्ट्रॉन्स नज़र आएंगे। शेल नंबर रिमेंस कांस्टेंट, लेकिन उनके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो रहे होते हैं, ज़्यादा हो रहे होते हैं, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने प्रोटॉन्स भी होते हैं, तो वो न्यूक्लियस जो है वो उन इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेते हैं, जब खींच लेते हैं तो एटॉमिक साइज क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर थ्री, अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन फॉर द एटॉमिक रेडियस। अब कहते हैं आपके पास एक एटम है ए, ठीक है, अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो उसका जो साइज़ होगा वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, लेकिन अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया तो इसका साइज़ क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अगर इसने दो इलेक्ट्रॉन गेन किए तो इसका साइज़ और भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसी तरह अगर इसने दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो इसका जो साइज़ होगा वो क्या कर जाएगा, और भी छोटा हो जाएगा। तो जनरल ट्रेंड हमारे पास ऑप्शन नंबर ए वाली होगी, ए एटम है, अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा पॉजिटिव वन चार्ज आएगा तो इसका साइज़ छोटा हो जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसका साइज़ क्या हो जाएगा, ए नाइन के फॉर्म में साइज़ क्या होता है, वो बढ़ जाता है, जो आपको पहले एमसीक्यू के अंदर यहाँ पे डिटेल से समझा दिया मैंने। नाउ नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, दीज आर फ्रॉम आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो आयनाइजेशन एनर्जी, जैसे आपको मैंने अभी बता भी दिया कि वो एनर्जी होती है जो आप किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से उसका इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए देते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है कि अगर आपके पास आइसोलेटेड गैसियस आयन है, आपने उसको इलेक्ट्रॉन दिया, उस वक्त जो एनर्जी रिलीज़ होगी उसको आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो फोर्स है जिसे एक एटम दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ड्रैग करता है, अपनी तरफ खींचता है। क्वेश्चन नंबर फोर, द रिलेटिव अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस फॉर द इलेक्ट्रॉन इन अ केमिकल बॉन्ड इज कॉल्ड। अब कहते हैं आपके पास एक केमिकल बॉन्ड बना हुआ है, केमिकल बॉन्ड, अगर ये आपको एक डंडी नज़र आ रही है, दिस इज़ अ बॉन्ड। अब एक बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे एटम होता है, यहाँ पे भी एटम होता है। अब इसमें से अगर इन दो, ये दोनों एटम सेम है, ठीक है, अगर लाइक हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, तो इनके बीच में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होगा, तो ना कोई इधर खींचेगा ना कोई उधर खींचेगा, ये यहीं पे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ठीक है। और लेकिन इससे होगा क्या कि हमारे पास क्या होंगे, इनको हम कहेंगे कि दे आर नॉन पोलर इन नेचर, हमारे पास क्या होंगे, नॉन पोलर होंगे। लेकिन अगर आपके पास इस तरह हो जाए कि एक साइड पे H आ जाए दूसरी साइड पे F आ जाए, अब फ्लोरीन की चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है पीरियोडिक टेबल में, ये आप अपने पास नोट कर लें कि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा पावर जो अट्रैक्शन की, दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर सबसे ज़्यादा किसके पास है, फ्लोरीन के पास, और सबसे कम किसके पास है, सीजियम के पास। ग्रुप वन ए का जो लास्ट एलिमेंट है आप पढ़ते हो ना, सोडियम है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंसियम भी है, लेकिन फ्रेंसियम फिर रेडियो एक्टिव है। तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन करता है क्या है, चूँकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये जो शेयर्ड पेयर्ड है ये क्या करता है, ये अपनी तरफ खींच लेता है। जब खींचता है तो इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इससे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं किधर, किस साइड पे जा रहा है इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा जाएगा, तो हिंस हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। ये जो एट टाइप का आपको साइन नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं पार्शियल। पार्शियल का मतलब कि यहाँ पे फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन निकाल तो नहीं रहा ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, अपनी तरफ ड्रैग कर, अपनी तरफ खींच रहा है, और जिस फोर्स से खींच रहा है उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। हिंस ऑप्शन नंबर बी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट वन होगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट क्वेश्चन नंबर फाइव है, इन अ पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। याद रखें कि जब आप टॉप टू बॉटम आते हो ग्रुप्स के अंदर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज हो रही होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही होती है, डिक्रीज हो रही होती है। लेकिन जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज़ हो रही होती है। अच्छा, अब इसको मैंने कैसे याद किया, मतलब मैंने एमफिल कर लिया है तो मुझे एक टाइम तक नहीं समझ आती थी, मैंने इस तरह याद किया हुआ है कि अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो यहाँ पे हमें मिलेगा फ्लोरीन,
जो कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव एलिमेंट है और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल एक स्केल है जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ को मेयर करते हैं, उसको पॉलिंग स्केल कहते हैं। उसके हिसाब से इसकी वैल्यू क्या है, 4 है। तो अगर इसकी सबसे ज़्यादा है तो इसका मतलब लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही होती है, इंक्रीज़। अगर लेफ्ट टू राइट इंक्रीज़ है तो टॉप टू बॉटम क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। मैंने इसको इस तरह याद किया, आप भी इसको ट्रिक के तौर पे इस तरह इसको याद कर सकते हो। एनीवेज़, अब इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा कि लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज़ हो रही होती है। सो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड अपॉन। अब आयनाइजेशन एनर्जी किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, सो डिफरेंट फैक्टर हैं, एटॉमिक या आयोनिक रेडियाई इसके ऊपर डिपेंड करेगी, ऑर्बिटॉल के ऊपर भी डिपेंड करेगी और शील्डिंग इफेक्ट के ऊपर भी डिपेंड करेगी। हेंस ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। अब देखें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं ताकि आपको फिर बुक ना खोलनी पड़े। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और सॉरी जो हमारे पास है आयनाइजेशन एनर्जी, देखें अगर आपके पास आप देखते हो लिथियम का साइज़ तो छोटा होता है, सोडियम का बढ़ जाता है, क्योंकि लिथियम के अंदर क्या होते हैं, सिर्फ दो शेल्स होते हैं। इन केस ऑफ सोडियम वी हैव 3 शेल्स, पोटाशियम के अंदर हमारे पास 4 शेल्स आ जाते हैं, रुबीडियम के अंदर 5 शेल्स। तो हम देखते हैं कि टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज़ क्या हो रहा होता है, एटॉमिक साइज़ डिक्रीज हो इंक्रीज़ हो रहा होता है, सॉरी एटॉमिक साइज़ क्या हो रहा होता है, एटॉमिक साइज़ बढ़ रहा होता है। अगर एटॉमिक साइज़ बढ़ रहा होता है तो न्यूक्लियस और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो अट्रैक्शंस कम होंगी, ठीक है, डिस्टेंस बढ़ेगा तो अट्रैक्शंस क्या हो जाएंगी, डिक्रीज़ कर जाएंगी। और जब अट्रैक्शन डिक्रीज़ कर जाएंगी तो ये इलेक्ट्रॉन हम कहते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लूजली हेल्ड होता है। अगर वो लूजली हेल्ड है तो हम उसको ईजीली क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो इसका मतलब है टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइजेस इंक्रीज़ हो रहे होते हैं। जब एटॉमिक साइजेस इंक्रीज़ हो रहे होते हैं तो हम एनर्जी थोड़ी सी भी देंगे आयनाइजेशन एनर्जी, तो हम इसका इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ हो रही होती है, लेकिन लेफ्ट टू राइट क्या होता है कि शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा, लेफ्ट टू राइट शील्डिंग इफेक्ट कॉन्स्टेंट रहती है और टॉप टू बॉटम शील्डिंग इफेक्ट भी क्या होती है, वो ज़्यादा हो रही होती है। यहाँ पे आपको एक शेल नज़र आता है हाइड्रोजन के केस में, लिथियम के केस में 2 शेल्स, यहाँ पे 3 शेल्स नज़र आएंगी, यहाँ पे 4, 5 और एटॉमिक साइज़ बढ़ रहा होता है। अब जितने अंदर के शेल ज़्यादा होंगे उतने उनके अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, जितने उनके अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतना वैलेंस इलेक्ट्रॉन को वो छुपा रहे होंगे, और उस छुपाने को या न्यूक्लियस का जो होल्ड है उसको डिक्रीज़ करने वाली फोर्स जो होती है दैट इज़ नॉन एज शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। वो शील्डिंग इफेक्ट क्या हो रही होती है, वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ हो रही होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसको पीरियड्स में, तो पीरियड्स में क्या होता है कि इट रिमेंस कॉन्स्टेंट, लेफ्ट टू राइट हमारे पास ये जो शील्डिंग इफेक्ट है, ये जो फोर्स है ये कॉन्स्टेंट रहती है। तो इसका मतलब है कि शील्डिंग इफेक्ट के ऊपर भी डिपेंड करेगी, एटॉमिक साइज के ऊपर भी डिपेंड करेगी। सो राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर डी बनेगा, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। और उसके बाद ऑर्बिटॉल्स के ऊपर डिपेंड करेगी, ये ऑर्बिटॉल वाली आई थिंक आगे कुछ एमसीक्यूज हैं वहाँ पे मैं आपको समझा दूंगा कि अगर आपके पास एक ऑर्बिटॉल कम्प्लीटली फिल्ड है तो उसको आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और अगर हाफ फिल्ड है तब भी आपने उसको एनर्जी जो है वो ज़्यादा देनी होगी। और इसके अगर बीच में है, लाइक अगर एस प्योर ऑर्बिटॉल है उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं या उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो हाफ फील्ड है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करना डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन अगर पी के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, पी के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे एनर्जी जो है वो कम रिक्वायर्ड होती है। क्वेश्चन नंबर 7, विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज अलॉन्ग अ पीरियड बिकॉज, कहता है कि जब हमारे पास एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो रही होती है, इंक्रीज़ हो रही होती है। तो आप याद रखो कि लेफ्ट टू राइट हमारे पास क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होती है, लेकिन अगर आप टॉप टू बॉटम की बात करते हो ग्रुप्स की तो वहाँ पे डिक्रीज़ होती है, और जो आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया एटॉमिक साइज़ बढ़ जाता है। लेफ़्ट टू राइट वाली क्या कहानी है, लेफ़्ट टू राइट अभी आपको मैंने बताया कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो अट्रैक्शन होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि शेल नंबर रिमेंस कॉन्स्टेंट और शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ रहे होते हैं, और उसी हिसाब से प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे होते हैं लेफ़्ट टू राइट। तो प्रोटॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ खींच लेते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे पास क्या होता है कि न्यूक्लियर पुल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेते हैं, और उस वजह से जो साइज़ होता है वो क्या कर जाता है, डिक्रीज़ कर जाता है। तो ए के अंदर क्या है, नो चेंज इन शील्डिंग इफेक्ट अलॉन्ग अ पीरियड, अभी आपको मैंने बताया कि पीरियड में जो शील्डिंग इफेक्ट होती है वो क्या रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ हो रही होती है।
न्यूक्लियर पुल इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन, एग्जैक्टली ये आपको मैंने बता दिया है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो पुल जो है वो ज़्यादा हो रहा होता है। एटॉमिक आयोनिक साइजेस डिक्रीजेस अलॉन्ग अ पीरियड, अभी इससे पहले सेकंड या थर्ड एमसीक्यू के अंदर हम लोगों ने पढ़ लिया कि लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइजेस क्या हो रहे होते हैं, वो डिक्रीज हो रही होती हैं, तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज़ करेक्ट। अच्छा अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेवन में जो हम बात कर रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी की, तो आयनाइजेशन एनर्जी के लिए एक चीज़ याद रखें कि आई डॉट ई से हम लिख लेते हैं इसको, दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज। अगर एटॉमिक साइज बड़ा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, अगर एटॉमिक साइज छोटा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। अपने पास नोट कर लें, नोट्स में लिख लें, आयनाइजेशन एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट के साथ भी ये क्या है, या जिसको आप स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं, शील्डिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट बोथ आर सेम, इसके साथ इसका इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। इन्वर्स क्या होता है, एक क्वांटिटी इंक्रीज दूसरी क्या होती है डिक्रीज हो रही होती है। एंड आयनाइजेशन एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो, इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो। अगर ये ज़्यादा होगी तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, वो कम होगी। तो ये चीज़ आप अपने पास नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो ऑर्बिटॉल्स की बात की है, तो एस के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, पी के लिए कम, डी के लिए उससे कम, और एफ के लिए उससे एस के लिए जो है ज़्यादा, फिर पी, फिर डी एंड एफ। तो ये ट्रेंड आप अपने पास नोट कर लें। अच्छा उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर एट है, विच ऑफ़ द फॉलोइंग हैज़ हाइएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू। अब जिसका साइज छोटा होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी, या फिर वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी हो जाएगी 1s2, 2s1, इसकी हो जाएगी 1s2, 2s2, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर इसका 4 है, इसका एटॉमिक नंबर 3 है लिथियम का, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो 1s1 हो जाएगी, हीलियम का होता है 1s2। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि हीलियम का जो डुप्लेट है वो कंप्लीट है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट है। और वैसे भी जो आपके पास ग्रुप 8th के एलिमेंट होते हैं, यहाँ पे प्लोटेबल था, यस दिस वन, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन वैसे भी रेडियो एक्टिव है, ये सारे के सारे क्या हैं, दीज आर नोन एज नोबल गैसेस। नोबल गैसेस क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका ऑक्टेट इन केस ऑफ हीलियम और बाकियों के केस में और डुबलेट जो है वो कंप्लीट होता है, इसका मतलब ये हाईली स्टेबल होते हैं, इनसे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है बहुत स्टेबल होती है, जैसे नियॉन के केस में होती है 2 और 6, 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह आर्गॉन के केस में भी होगा, क्रिप्टॉन के केस में भी ये होता है कि इनका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट होता है, तो यहाँ से इनकी स्टेबल कन्फिग्रेशन है होती है, तो इनसे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना जो है वो ईजी नहीं होता, उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ड्यू टू इट्स स्टेबल कन्फिग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 9, ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट करस्पॉन्ड टू डैश आयनाइजेशन एनर्जी। कहता है अगर शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगी तो उस वक्त क्या होगा आयनाइजेशन एनर्जी का, उसके ऊपर क्या आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर शील्डिंग इफेक्ट का इफेक्ट पूछ रहा है कि क्या होगा। तो जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि डाउन द ग्रुप हमारे पास क्या हो रहा होता है, कि जो शील्डिंग इफेक्ट है वो इंक्रीज़ हो रहा होता है, और जितना इंक्रीज़ होता है तो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो होल्ड है वो कम हो रहा होता है। अगर वो कम होगा तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ेगा, इजीली रिमूव इजीली कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारे पास क्या है, करेक्ट है। शील्डिंग इफेक्ट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी, यहाँ पे हाँ यहाँ पे हमने लिख भी लिया। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाइएस्ट सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। देखें अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, पहला इलेक्ट्रॉन, तो उसको फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। जैसे हमारे पास है मैग्नीशियम, हमने उसका एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, चला जाएगा मैग्नीशियम पॉजिटिव वन के अंदर। फिर हम क्या करते हैं, इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो भी रिमूव करने की कोशिश करते हैं, मैग्नीशियम आयन, इससे हम दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं, Mg पॉजिटिव टू के अंदर चला जाता है। ठीक है, अब दो इलेक्ट्रॉन्स क्यों रिमूव करते हैं, क्योंकि इसका हमें बैलेंस जो है कन्फिग्रेशन उसको स्टेबल बनाना है। कन्फिग्रेशन की होती है 2p6 3s2। अब ये दो इलेक्ट्रॉन्स हमने रिमूव करने, तो बारी बारी रिमूव करेंगे, पहले एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे मैग्नीशियम मोनोपॉजिटिव आयन में चला जाएगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो मैग्नीशियम डाईपॉजिटिव केट आयन की फॉर्म में चला जाएगा, तब जाके इसकी कन्फिग्रेशन 8 रहेगी, अंदर वाली स्टेबल हो जाएगा। तो कहता है कि आपके पास ये हैं, इसमें सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होती है।